हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री क्लास 10 के सभी स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है बच्चों 2 और इसका आज लेक्चर नंबर है 11। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। बस ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हमारा टॉपिक चला हुआ है क्या, मैंने बताया था बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसके यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, ये मेरा आज का टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, यानी कि खाने के सोडे के उपयोग, ये मेरा आज का टॉपिक है। सबसे पहली बात नंबर 1, पहला उपयोग किस चीज में करा जाए इसका, बच्चों आप ध्यान दो, जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 जो किसकी हेल्प से बना गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो एक ही कंपाउंड बना, फॉर्मेशन एक यूज बन गया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, पहला यूज। सोडियम कार्बोनेट के बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा प्रयोग करते हैं, पहला यूज हो गया। दूसरा यूज बच्चों बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाना है। कभी कभी आपसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, आधे बच्चे क्या करते हैं बेकिंग सोडा बोल देते हैं बेकिंग पाउडर है, जो कि ऐसा नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। बेकिंग सोडा विल बी डिफरेंट बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में भी आप किसका यूज करते हो, मैंने पहला यूज बताया सोडियम कार्बोनेट के बनाने में, दूसरा यूज बताया बेकिंग पाउडर बनाने में। बच्चों बेकिंग पाउडर क्या होता है जरा जान लें, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, खाने का सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड क्या बोलते हैं इसको, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कहलाता है आपका बेकिंग सोडा। इन दोनों का मिक्सचर आपका कहलाता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे और टार्ट्रिक अम्ल का मिक्सचर कहलाता है बेकिंग पाउडर, क्या कहलाता है सॉरी बेकिंग पाउडर कहलाता है। अब बच्चों में एक बात आपको बता दूं यहीं से ही, बेकिंग पाउडर को यानी कि आपके पास क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोगों ने क्या लिया टार्ट्रिक एसिड, एसिड क्या होता है जो एसिडिटी, जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म करते हो क्या करते हो गर्म करते हैं, या हम लोग इसे वाटर में यानी कि क्या करते हैं इसे हीट करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं इसे वाटर में डिजोल्व, वाटर में आप इसे डिजोल्व करो या इसको हीट कर दो, इसको बेकिंग पाउडर, तो ये क्या है मेरा बेकिंग पाउडर, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर तो मिल ही जाएगा प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा यानी कि अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब आप लोग क्या बना रहे हो केक बना रहे हो,
क्या बना रहे हो? केक। जब आप केक बनाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि केक बनाते समय उसमें थोड़े 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 क्या हो जाते, छिद्र से हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। और जब आप पाव रोटी मतलब डबल रोटी आप लोग ब्रेड आप लोग बना रहे हो, तो जब आप ब्रेड यानी कि पाव रोटी जब आप लोग बना रहे होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जब वो फूल जाती है ऊपर उभर आती है और जब उसमें से वो निकलती है तो वहाँ से जहाँ से जब वो उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे जब आप लोगों ने डबल रोटी खाई होगी तो उसमें छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र से होते हैं। वे छिद्र किसके कारण होते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे बाहर निकलती है, तो वहां से जहां से निकले वहां क्या हो जाए, छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? छिद्र हो जाते हैं। और इसी के कारण आपका जो केक है या फिर आपकी पाव रोटी है अर्थात जो आपकी जो ब्रेड है वो फूलती भी है। तो ब्रेड और जो आप कहेंगे वो ऊपर उभरा हुए, क्या उभराती है वो ऊपर हुआ, एक तरीके से जो आपका यीस्ट है जो आपका खमीर है वो उठ जाता है। हिंदी में कहते हैं कि इसका जो खमीर है वो उठ गया, मतलब जो आपका खमीर है जो आप लोगों ने बनाया है ब्रेड बनाने के लिए, तो वो जो होता है इस बेकिंग पाउडर की मदद से जब इसे हीट किया जाता है तो वो क्या होता है, उठ जाता है, यानी कि जो यीस्ट है वो उभर आता है और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकलती है तो वे छिद्र से बन जाते हैं। वे जो छिद्र हैं वे जो होल हैं वे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की पुष्टि करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखना कि बेकिंग पाउडर क्या चीज़ होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड जब आप मिला लेते हैं तो बनता है आपका बेकिंग पाउडर। समझ आ गई होगी बात, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हैं बेकिंग सोडे का। तो ध्यान रखना इसका यूज हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज किस चीज़ में करते हैं? केक बनाने में करते हैं और हम लोग पाव रोटी मतलब ब्रेड वगैरह बनाने में भी करते हैं। हमें पता कैसे लगता है? हमने बताया कि भाई जो हमारा ब्रेड है उसमें जो वे ड्रिल से मतलब सॉरी जो वे होल बने हुए हैं इसका मतलब वहाँ से वे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो सिंपल सी बात, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ बच्चों, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो आपका साल्ट है कार्बोनेट साल्ट है, ये जो आपका बेकिंग सोडा है, इसकी जो टेंडेंसी होती है मतलब इसकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। क्या होती है? अक्षारीय होती है, अल्कलाइन होती है। तो अल्कलाइन नेचर होने के कारण ये क्या करता है, जब आप लोग के पेट में कोई गड़बड़ी मतलब आपके पेट में जो है वो एसिडिटी आपके स्टोमच में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम थोड़ा सा एक मतलब हल्की सी डोज में बोलूं क्या ले लेते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा ले लेते हैं, जिससे हमारे पेट की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है इसके होल्डिंग इसके द्वारा और हमारा पेट दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो आप ध्यान दें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चों, जो आपकी स्किन डिसीज है नंबर नेक्स्ट यानी कि नंबर चार यूजी मेरा आ गया है, जितने भी आपकी स्किन डिसीज हैं मतलब त्वचा में होने वाले रोग जिन्हें हिंदी में कहा जाता है चर्म रोग, तो ये स्किन डिसीज में एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, मतलब पूतिरोधी के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? आपका बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जो आप लोगों के त्वचा के रोग हैं, खाने का सोडा जो आपके क्या हैं त्वचा रोग होते हैं मतलब स्किन डिसीज होती है उनमें भी क्या करता है, ये बहुत लाभकारी होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में वहाँ काम करता है, ये पूतिरोधी के रूप में। एक और मैं आपको बता दूँ, चमड़े का उद्योग यानी कि जो आपका चर्म उद्योग है, इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्रीज, तो जो लेदर इंडस्ट्री है उनमें भी चमड़े के उद्योग में यानी कि लेदर इंडस्ट्री में भी हम लोग बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा लेदर इंडस्ट्री में। इसके बाद मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, अभी मैं आपको और भी बताऊँगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज मैंने बताया था रसोई घर में तो आप करते ही हो, यानी कि खाने के सोडे का यूज आप रसोई घर में तो करते ही हो, मैंने बताया लेदर इंडस्ट्री में करते हैं, मैंने बताया स्किन डिसीज में करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं मतलब अग्निशामक जो यंत्र हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको कहा जाता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले शामक आग बुझाने वाले यंत्रों में भी हम लोग किस चीज़ का, खाने के सोडे का उपयोग करते हैं मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं,
आग बुझाने वाले यंत्र में जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के बता दिए हैं। अब मेरा आज का नया टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, मेरा टॉपिक है आज, मैं चलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। एनसीईआरटी का एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने, वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या है नाम है उसका? ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। और जो मैं बात कर रहा हूँ आपको ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, हिंदी में इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण और इंग्लिश में कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? अब बच्चों ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम क्या है इसका? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसे और करके हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन मेथड क्या चीज है इसका बच्चे? मतलब ये बनाने की विधि, कैसे बना जाता है इंडस्ट्री में भी और लेबोरेटरी में भी। बच्चों मेरे पास स्लैग्ड लाइन COOH का आउटपुट है, वो भी बिना बुझा हुआ चूना, वो भी शुष्क ड्राई स्लैग्ड लाइन है ये मेरे पास। जब इस स्लैग्ड लाइन में यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, ड्राई स्लैग्ड लाइन, जब मैं इसमें क्लोरीन गैस की एंट्री कराता हूँ तो बन जाता है CaOCl2 प्लस, बाहर निकलता है H2O। बैलेंस करें आप क्लोरीन के दो, क्लोरीन का दो, कैल्शियम का एक, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक। तो बन गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर। तो जब आप स्लैग्ड लाइन में, जो स्लैग्ड लाइन है, जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है जो स्लैग्ड लाइन में, जब आप उसमें क्लोरीन गैस पास कराते हो तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों ध्यान दें, इसे इंडस्ट्री में बनाने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है हेजन क्लेवर मेथड में क्या होता है? बहुत सारे, अब एनसीईआरटी सिलेबस की मैं बात करूं तो उसमें ये फिगर आपको नहीं मिलेगी। एक शाफ्ट होती है, यहाँ पर ये संकरी नलियां लगी होती हैं, यहाँ से फिर एक साफ होती है, इन साफ में आपके क्या होते हैं? ब्लेड लगे होते हैं। इस तरीके से ये ऐसे अटैच रहते हैं, यहां से इसमें डाला जाता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नीचे से भेज देते हैं बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से हम लोग एंट्री कराएंगे क्लोरीन की। बहुत सारे होते हैं, मैंने दो ही बनाए ऐसे और ये यहाँ से बंद होता है। अब ये जो आपकी ट्यूब्स वगैरह है ये तो रहती है फिक्स, और ये जो साथ है रोटेट करती है बाय मोटर, या इनका संबंध मोटर से होता रहता है, मोटर से फिर बेल्ट लगा दे तो ये इस तरीके से घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ऊपर से जब डालोगे तो जब कोई चीज़ रोटेट होगी तो अच्छे प्रकार से मिक्स होगी, मिक्स हो गया यहाँ क्या होगा, यहाँ से होते हुए यहाँ से होकर के निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रही है, क्लोरीन गैस, तो रास्ता जाने का एक ही है, तो यह क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छी प्रकार से जब मिक्स होते हैं तो यहाँ से फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर बाहर आता है। समझ में आ गई होगी बात, तो ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से बाहर आता है। तो ये मेथड होता है बच्चों हैजन क्लेवर, और भी एक मेथड होता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं आपको बताया। अब मैं इसके यूज की बात करूँगा, इसके यूज क्या होते हैं बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर के यूज आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, सबसे पहले तो पानी का शुद्धिकरण करने में, पानी का जो शुद्ध है यानी कि पानी में उपस्थित जो जीवाश्म हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर, उनको मारने में, उनको समाप्त करने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इसका यूज़ लकड़ी से कागज़ वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है, यानी कि लकड़ी की लुगदी को तैयार करने में, ठीक है, लकड़ी की जो लुगदी बनाई जाती है और उससे जो पेपर बनाया जाता है, यानी कि पेपर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ों को कलर, बहुत सारी चीज़ों का कलर हमें यदि फेड करना है, वहाँ से हटाना है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूँ कि इसका यूज़ हम लोग सौंदर्य प्रधान यानी कि जितने भी ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। ब्लीच वगैरह कराते हैं लोग पार्लर्स वगैरह में जाकर के, तो वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है मैं नेक्स्ट दो लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश कर दूँगा। थैंक्स।